सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हीरो इंडियन सुपर लीग के एक और नए ट्रांसफर एपिसोड के साथ। तो एटीके मोहनवागन ने भाई यहाँ पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए बैक टू बैक दो फॉरेन डिफेंडर का साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। और ये दोनों ही साइनिंग भाई एटीके मोहनवागन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिनमें से पहला प्लेयर है 29 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक ब्रेंडन हैमिल, जो कि मेनली एक सेंट्रल डिफेंडर है, अदरवाइज ऐसे राइट बैक के पोजीशन के अंदर भी ये खेल सकते हैं। और इन्होंने अपने क्लब करियर का शुरुआत किया था मेलबोर्न हार्ट की तरफ से, जो कि करंटली मेलबोर्न सिटी के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद कोरियन फास्ट स्टार K1 लीग के अंदर भी इन्होंने सियोंगनाम फुटबॉल क्लब और गैंगवन एफसी की तरफ से खेला है। वेल ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स, वेस्टर्न यूनाइटेड और मेलबोर्न विक्ट्री जैसे क्लबों की तरफ से। ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर इन्होंने 151 मैचेस खेला है, जहां पर एक सेंट्रल डिफेंडर होते हुए भी 5 असिस्ट और 8 गोल इन्होंने स्कोर किया है। एंड गाइस, इसके अलावा अगर इनके यूथ लेवल देखा जाए तो अंडर 20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का अंडर 20 टीम की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा अंडर 17 टीम को भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंट कर चुका है। और 2013 और 2014 सीजन के अंदर इन्होंने वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स की तरफ से एएफसी चैंपियंस लीग भी जीता है। तो ब्रेंडन हैमिल, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस एक सेंट्रल डिफेंडर है, इनको भाई यहां पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए एटीके मोहनवागन ने ऑफिशियली साइनिंग कर लिया है। और साथ में एटीके मोहनवागन ने अपकमिंग सीजन के लिए उनका एशियन कोटा भी भर लिया है। एंड गाइस, ब्रेंडन हैमिल के अलावा आज ही एटीके मोहनवागन ने पॉल पोगबा का बड़े भाई फ्लोरेंटिन पोगबा को ऑफिशियली साइनिंग कर लिया है। तो फ्लोरेंटिन पोगबा, जो कि गुनिया से बिलोंग करते हैं, एज है 31 और ये भाई एज ए सेंट्रल डिफेंडर के पोजीशन में खेलते हैं, जो कि सेल्टा विगो का एक यूथ प्रोडक्ट है। और सेल्टा विगो अंडर 19 टीम की तरफ से इन्होंने अपने क्लब करियर का शुरुआत किया था। उसके बाद इन्होंने खेला है फ्रेंच सेकेंड टायर लीग 2 के अंदर सीएस सेडान, एमएलएस के अंदर अटलांटा यूनाइटेड। इसके अलावा अटलांटा यूनाइटेड का बी टीम की तरफ से इन्होंने मार्किन सेकेंड टायर लीग के अंदर भी खेला है। फ्रेंच फास्टर लीगा 1 के अंदर भी इन्होंने एएस सेंट एटिने के तरफ से खेला है, और एएस सेंट भाई फ्रेंच का एक बहुत ही बड़ा क्लब है। एंड गाइस, ओवरऑल लीगा 1 के अंदर 66 मैचेस और लीगा 2 के अंदर 141 मैचेस इन्होंने खेला है। और इनका अगर इंटरनेशनल करियर देखा जाए तो गुइनिया नेशनल फुटबॉल टीम की तरफ से भी गाइस इन्होंने 31 मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर खेला है। इससे पहले तुर्की सुपर लीग के अंदर भी इन्होंने खेला है, और लास्ट ईयर ये खेल रहा था लीगा 2 का एक क्लब एफसी सोचुआक्स की तरफ से। सो गाइस, पॉल पोगबा को तो आप सब लोग जानते हो, हाल ही में जुवेंटस के लिए उन्होंने साइनिंग किया है, और उन्हीं का बड़ा भाई है फ्लोरेंटिन पोगबा। तो फ्लोरेंटिन पोगबा को भी भाई यहां पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए एटीके मोहनवागन ने अपने टीम में ऑफिशियली साइनिंग कर लिया है। नेक्स्ट, अगर हैदराबाद एफसी के बारे में बात किया जाए तो हैदराबाद एफसी ने भाई यहाँ पर उनका यंग प्रॉमिसिंग लेफ्ट विंगर आकाश मिश्रा के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसे और भी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और अब आकाश मिश्रा 2025 तक हैदराबाद एफसी के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद अगर एफसी गोवा के बारे में बात किया जाए तो एफसी गोवा ने भाई यहाँ पर अल्वारो वास्केस के दौर पर अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए उनका पहला फॉरेन साइनिंग को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। तो 31 इयर्स ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर अल्वारो वास्केस, जिन्होंने लास्ट ईयर केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से 23 मैचों में 8 गोल स्कोर किया था, और ये जो प्लेयर है भाई इन्होंने इससे पहले ला लीगा के अंदर भी खेल चुका है, और अपकमिंग हीरो इंडियन सुपर लीग सीजन से पहले ही अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में इनको एफसी गोवा ने अपने टीम में साइनिंग कर लिया है। तो अल्वारो वास्केस केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ एक बेहतर सीजन के बाद गाइस अपकमिंग सीजन के अंदर अब हमें एफसी गोवा का जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद भाई अगर 2-टाइम आईएसएल चैंपियन चेन्नई एफसी के बारे में बात किया जाए तो चेन्नई एफसी जिन 7 फॉरेनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, उन 7 में से 6 प्लेयर को ही गाइस चेन्नई एफसी ने रिलीज कर दिया है, जहां पर स्लावको दमजानोविच और जॉर्जेस वेल्सकिस जैसे खिलाड़ी मौजूद है। और ब्राजीलियन अटैकर राफेल क्रिविलर गाइस इनका इकलौते ऐसे प्लेयर है जो अपकमिंग सीजन के अंदर हमें चेन्नई एफसी के साथ फिर से नजर आएंगे। उसके बाद अगर बात किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 27 ईयर्स ओल्ड मणिपुरी डिफेंसिव मिडफील्डर इमरान खान के बारे में, तो इमरान खान भाई करंट समर ट्रांसफर विंडो के अंदर मल्टीपल हीरो आईएसएल क्लबों का टारगेट में है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भी इमरान खान को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास कुछ अच्छा ऑफर आते हैं तो इमरान खान को वो सेल करने के लिए भी तैयार है। यानी कि अगर देखा जाएगा इस तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अंदर इमरान खान का जो फ्यूचर है उनका कोई भी क्लियरिटी नजर नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू हेड कोच के बारे में, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू हेड कोच को लेकर भाई एक बड़ा र्यूमर सामने निकल कर आए हैं, और इस बार भाई र्यूमर के दौर पर जिस नए कोच का नाम सामने निकल कर आए हैं वो है भाई बैक टू बैक 2-टाइम कंसेक्यूटिव आईलीग चैंपियन कोच विंसेंजो अल्बर्टो इनेस। तो विंसेंजो अल्बर्टो इनेस, जो कि एक 37 ईयर्स ओल्ड इटालियन टैक्टिशियन है, और इनका जो प्रिफर्ड फॉर्मेशन है वो है गाइस 4-3-3 का अटैकिंग फॉर्मेशन। और 2020 से गाइस बैक टू बैक 2 सीजन के अंदर इन्होंने गोकुलम केरला एफसी के साथ 2 कंसेक्यूटिव आई लीग टाइटल जीता है। इससे पहले भी इन्होंने कोसोवो, पैलेस्टाइन और इंडोनेशियन फास्ट स्टार लीग के अलावा घाना प्रीमियर लीग के अंदर भी बेचम यूनाइटेड जैसे क्लबों को कोचिंग करवाया है, और इसके अलावा भाई कोसोवो फेडरेशन का बेलारूस नेशनल फुटबॉल टीम को भी इन्होंने मैनेज किया है।
तो ओवरऑल कोचिंग एक्सपीरियंस के इनके बहुत ही जबरदस्त है और मैं भी हीरो इंडियन सुपर लीग के अपकमिंग सीजन के अंदर विंसेंजो अल्वार्टो इनेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का न्यू हेड कोच के तौर पर हमें नजर आ सकते हैं। और इनको भाई अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना न्यू मैनेजर के तौर पर अप्रोच कर सकते हैं तो ये भाई हाईलैंडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा साइनिंग साबित होगा। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में आगे जाकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है और कुछ भी अगर अपडेट्स निकल कर आ जाते हैं गाइस तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और अगर आप इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे जाकर भी इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी रेगुलरली आपका हमारी चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।